नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। आज बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा सब लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो रहा है जो कि बहुत पवित्र है, और इस वीडियो में वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि सावन का महीना सब लोग जानते हैं कि क्यों हम लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। शिव भगवान की पूजा होती है, शिव और पार्वती माँ की, भोले बाबा की पूजा होती है। लड़कियाँ हो, महिलाएँ हो, बालक हो, जो भी है, व्रत करते हैं सोमवार के दिन अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, जैसा हम लोग सब जानते हैं। लेकिन ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूरा सावन एक काम कर जाए तो आपका कौन सा ग्रह मजबूत हो जाएगा या आपके कौन से दोष कुंडली से निकल जाएंगे, इसकी चर्चा करूंगी। जरूरी है इसीलिए बनाना वीडियो जो है, इसीलिए मैंने बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि समझना ज्योतिष में बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा टाइम है। कहते हैं ना कि समय रहते हुए यदि आपने कोई काम कर लिया तो वो आपका फलित हो जाता है, ठीक है, उस पे चर्चा करेंगे। सावन का महीना चालू हो रहा है, इस बार जो है काफी छोटा सावन है, 5 सोमवार जैसे आता है वैसे ही आएगा। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि ये सर के चैनल्स पे ये वाला अपेक्षा एजुकेशन में ये वीडियो मैं रिलीज कर रही हूँ। सर का एक स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि पूरी फैमिली का न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कराइए, क्योंकि फैमिली का जब हम लोग कर रहे हैं ना, एक का दोष निकलता है। अगर फादर में कोई ग्रहण दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई काल सर्प दोष है, तो ऑटोमेटिक वो बच्चे में जाता ही जाता है, मोस्टली जाता है। अभी आप अकेले आके मुझसे करा ली, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मुझसे करा लेते हैं, अपना कराते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उनको बच्चे का कराना होता है, फिर अपनी वाइफ का कराते हैं, तो आपको पैसे ज्यादा लगते हैं। फैमिली पैक जो सर बार बार बोलते हैं, पूरे फैमिली का न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कराइए, जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, आपका एक बार में उसका समाधान आपको मिलेगा। चलिए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम महीना माना गया है, और ऐसा नहीं है कि मैं शिव भक्त नहीं हूं तो मैं सावन को नहीं मानूंगा, ये गलत धारणा है। भोले बाबा सबके हैं। सावन का महीना जो है, बचपन में मुझे याद है कि मम्मी बोलती थी सावन का महीने में अगर आप व्रत करते हो तो आपको भोले बाबा जैसा बहुत ही बोलते हैं ना, दानी और बहुत अच्छे नेचर के भोले भंडारी की तरह आपको पति की प्राप्ति होगी, तो हम लोगों को सोमवार व्रत करने के लिए कहा जाता था। और महिला जो है, चूंकि पार्वती जी ने उनको पाने के लिए बहुत तप और तपस्या किया था, इसीलिए अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं भी व्रत करती हैं, और पुरुष जो है उनको वो इसलिए व्रत करते हैं कि पार्वती माता जैसी, भोले बाबा को जैसी मिली, उन्हें भी वैसे ही जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो ये मुझे लगता है सभी के लिए है। सब लोग इस बार सोमवार, जो सोमवार है, सावन का महीना है, वो 22 जुलाई से शुरू होगा और 19 अगस्त तक होगा इस बार जो सावन का महीना रहेगा। 5 सोमवार पढ़ेंगे, 5 सोमवार में पहला 22 जुलाई को, फिर 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को लास्ट सोमवार ही रहेगा, ठीक है। क्यों मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझी, जो मैंने पहले ही चर्चा की थी, कुंडली खोलना है, सबको मालूम है एस्ट्रो सेज एस्ट्रो टॉक कैसे जाते हैं, अपना डेट ऑफ नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। आपका चंद्रमा अगर राहु और केतु, चंद्रमा च, ठीक है, लिखा रहेगा, राहु केतु के रेंज में है, इसका मतलब आप ग्रहण दोष में, ठीक है। आपका चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो आप समझिए चंद्रमा केमेंद्रम दोष में है। चंद्रमा की क्यों चर्चा की, क्योंकि भोले बाबा जो हैं वो अपने जटा में चंद्रमा धारण किए हुए हैं। चंद्रमा के लिए सोमवार का दिन कहा गया है, और सोमवार का दिन जो है भोले बाबा की पूजा के लिए कहा गया है,
और जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सावन का पूरा महीना भोले बाबा को समर्पित रहता है, तो अगर ये पूरा महीना आप पूजा कर जाइए, आप पूरे महीना अगर भगवान जी का व्रत कर जाइए, सोमवार का व्रत कर जाइए, जिनके भी कुंडली में चंद्रमा का दोष है, जिनका भी चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा क्या है, आपका मन है, चंद्रमा क्या है, आपकी माता है, और चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लाइफ में क्या है, वो लिक्विड मनी है। अगर चंद्रमा खराब है तो आपके पास लिक्विडिटी की कमी रहेगी, मतलब पैसे जो चलायमान पैसा है ना, हाथ में जो पैसा है, उसकी कमी रहेगी। अब आपके पास 10 बीघा जमीन है तो रहे ना, उसको तोड़ तोड़ के बेच के तो नहीं खाओगे ना, यही चीज समझना है। चंद्रमा कमजोर होगा तो क्या करोगे, आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लोगे, घर में आकर रोज झगड़ा करोगे, पत्नी से लड़ोगे, तो पूरा डिस्टर्ब नॉट ओनली फैमिली होती है, आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है, आपका वर्क एरिया भी डिस्टर्ब होता है। चंद्रमा को मजबूत करने का सावन का समय सबसे उत्तम। नेक्स्ट वीडियो में राशि अनुसार आप क्या करेंगे उसकी चर्चा करूंगी, लेकिन आज एक उपाय जो सबको करना है, जिसका भी मैंने ये बोला है कि आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव में है, या चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं है तो आपके कुंडली में केमेंद्रुम दोष बन रहा है, आपको सावन का हर दिन मंदिर जाना है, जल में दूध डाल के आपको चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यूअस कीजिए, आपका चंद्रमा जितना मजबूत होगा आपके निर्णय उतने अच्छे होंगे, आपका डिसीजन उतना अच्छा होगा, और आप अपने जीवन में खुश रहना सीखेंगे। ये डिप्रेशन वर्ड जो है ना, कहाँ चला जाए।